नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वो राजभवन जा रहे हैं एक अन्य मार्ग से निकलकर। जिस तरह से बात करें कि आज गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर राजभवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, इस अवसर पर वो शामिल होने के लिए नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार में जो सियासत गरमाई हुई है, कहा जा रहा है कि बड़ा समीकरण होने वाला है, राजनीतिक उलटफेर होने वाला है, इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, और इसी बीच आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं। जिस तरह से बात करें कि जब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन की ओर रुख करते हैं तो बिहार की सियासत है वो कहीं ना कहीं गर्माती दिखती है। जिस तरह से बात करें कि इससे पहले भी जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो राजभवन गए थे, लेकिन उस समय कुलपति की नियुक्ति की बात कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह से अभी सियासत जो गर्माई हुई है, इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आज राजभवन पहुंचे हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया उसमें भाग शामिल होने के लिए, लेकिन जिस तरह से सियासत गर्माई हुई है, जिस तरह से राजनीतिक समीकरण उलट फट देखने को मिल रही है, उसको लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन देख सकते हैं कि राजभवन के बाहर भी जो गहमा गहमी है वो बढ़ती दिख रही है। जिस तरह से कहा जाए कि जो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो तेजस्वी यादव से दूरियां बनाते दिख रहे हैं, जिस तरह से कई कार्यक्रम में देखा गया कि तेजस्वी यादव से दूरियां बढ़ती दिख रही थी, और जिस वही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब राजभवन के ओर रुक किए हैं तो यह अटकलें काफ़ी तेज हो गई है। लेकिन जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंदर आयोजन किया गया है इसमें भाग लेने के लिए, लेकिन जिस तरह से जो अटकलें हैं और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन गए तो अंदर क्या कुछ होता है। लेकिन जो बात करें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, वो भी अंदर गए हैं, और कई बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो गए हुए हैं, और जदयू कोटे से जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, वो भी आज राजभवन गए हैं। लेकिन जो सियासत है, जो गरमाई हुई है, जिस तरह से कहा जाए कि एक बड़ा उलट फेर होगा, फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए को दामन थामेंगे, जिस तरह से कहा जाए कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है वो टूटेगी, लेकिन जिस तरह से आज वो राजभवन सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लिए गए हैं, लेकिन जो राजनीतिक गरमाई हुई है, जो अटकलें लगाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये देखने को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना क्या पलटी फिर से मारेंगे। लेकिन जिस तरह से जो गहमा गहमी दिख रही है, और अब देखने वाली बात हुई कि क्या कुछ आगे निकल कर आता है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक गरमाई हुई है वो भी हम आपको आगे अपडेट करेंगे। तमाम खबर न्यूज़ पर के साथ, नमस्कार।